द वीकेंड शो में एक ऐसा शो जहाँ पर हम बात करते हैं कि आपके आसपास पिछले पूरे हफ्ते क्या क्या घटना घटित हुई, फिर उन पूरी घटनाओं को मिला करके मैं थोड़ा सा उसमें नींबू मिर्च डाल करके आपको परोस देता हूँ, ताकि आपको न्यूज के साथ थोड़ा मजा भी आए। तो अगर आप किसी गुफा में रहते हैं या आपको न्यूज देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो ये शो सिर्फ आपके लिए जनाब। तो इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर आई कि अवध ओझा सर ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अवध ओझा सर ये समझे, अरे वही जो सबको राजा बनाते रहते हैं, लोगों को आईएएस आईपीएस बनाते बनाते सरजी जी ने अपना ही फ्यूचर सेट कर लिया। और समय का खेल देखिए कि जिस सरकार को ये गरियाते थे उसी सरकार में भर्ती हो गए हैं। फिर क्या था, बीसीसी न्यूज के रिपोर्टर को इन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उस इंटरव्यू ने एक सवाल पूछ लिया कि भैया जी आप तो मोदी का बहुत तारीफ करते थे, तो अगर आप जब आम आदमी पार्टी में आ गए हैं तो क्या फिर भी मोदी की तारीफ करेंगे? भाई साहब जवाब तो दे रहे थे, लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी के कुछ लोग जो पीछे खड़े होकर इंटरव्यू देख रहे थे, उन्होंने ये इंटरव्यू लेने से मना कर दिया। और अवध ओझा सर ने क्या कहा, खुद ही चलो ये वीडियो खुद ही देख लो। हाँ मतलब उल्टा सीधा सवाल नहीं करने के, नहीं नहीं तो वेरी नॉर्मल सर तो बोलेंगे आप स्टॉप कर दे। नहीं नहीं एक बार हम सर से सवाल ही पूछ रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ सर इट्स वेरी नॉर्मल, हमने ऐसा कोई सर ऑब्जेक्शनेबल सवाल पूछा आपसे? मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, नहीं नहीं हम कैमरा वी विल करेंगे, लेकिन हम सर से पूछा सर हमने कोई ऑब्जेक्शनल सवाल पूछा? आप भैया देखो मैं बता दूँ जी, पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है कि महाराष्ट्र इलेक्शन में एनडीए की अलायंस ने काफी अच्छी जीत हासिल की, जिसके बाद से डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि महाराष्ट्र का सीएम कौन बनेगा। इस रेस में दो लोग भाग रहे थे, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, लेकिन फाइनली देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के सीएम की ओथ ली और वो नेक्स्ट यानी थर्ड बार तीसरी बार वो सीएम बन गए। कहीं ना कहीं लोग इसे हिस्ट्री का सबसे बड़ा कमबैक कह रहे हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम बनने जा रहे, पहली बार 2014 में बने थे, दूसरी बार 2019 में, लेकिन सिर्फ 80 घंटों के लिए, और अब 2024 में वो महाराष्ट्र के सीएम बन गई है। अफगानिस्तान में एक औरत दूसरे औरत से बात नहीं कर सकती है, इस चीज पर बैन लगा दिया गया है। दरअसल अफगानिस्तान में 2021 के बाद से ही तालिबान की सरकार है जो वुमेन्स के ऊपर काफी सारे बैन लगाती है, जैसे वुमेन्स एजुकेशन नहीं ले सकती है, वुमेन्स को बाहर बुरखा पहनना पड़ता है, वुमेन्स बाहर तेज ज्यादा नहीं बोल सकती है। और इन सब बैन के पीछे वो रीजन क्या देते हैं, वो बोलते हैं कि जो हमारी इस्लामिक आइडियोलॉजी है वो इन सब से मैच नहीं करती है, इसलिए वो चीजें बैन कर देते हैं। लेकिन अब हाल ही में तालिबान सरकार ने एक औरत को दूसरे औरत से बात करने पर भी बैन लगा दिया गया, यहाँ तक कि जो वहाँ की औरतें थी वो मेडिकल की स्टडी कर सकती थी, जैसे कि नर्सिंग हो गया, डेंटिस्ट हो गया, लेकिन अब वहाँ की औरतें इन कोर्सेज को भी परस्यू नहीं कर पाएंगी, वो पूरी तरह एजुकेशन से उन्हें बैन कर दिया गया है, यहाँ तक कि जो फीमेल्स डॉक्टर हैं उन्हें भी हटाया जा रहा है। अगली खबर थी पंजाब से, जहाँ पर गोल्डन टेंपल में सुखविंदर सिंह के ऊपर गोली चली। दरअसल ये मामला है पूरा गोल्डन टेंपल का, जहाँ पर सुखविंदर सिंह बादल जो कि अकाली दल के एक वरिष्ठ नेता है और वो पंजाब के सीएम भी रह चुके हैं, उनके ऊपर गोल्डन टेंपल में गोली से हमला किया गया और इस जानलेवा हमला में वो बाल बाल बचे। अगली खबर आती बिल गेट्स की, हाँ भाई जिसने डोली चाय वाला के साथ चाय पिया और डोली चाय वाला आज इतना अमीर है और मैं इतना पढ़ के भी इतना गरीब हूँ। तो दरअसल बात ऐसी है कि बिल गेट्स ने एक पॉडकास्ट में इंडिया को लेबोरेटरी यानी ऐसा बोल दिया कि इंडिया में आप कुछ भी टेस्ट कर सकते हैं, जिसके बाद भाई इंडियंस को ये बात बुरी लग गई कि आप किसी पॉडकास्ट में जाकर के कैसे बोल सकते हो कि इंडिया एक लेबोरेटरी है, वहाँ पे हम कुछ भी टेस्ट कर सकते हैं। एक तरह से आपने रेफर कर दिया गुनिया पिग, लेबोरेटरी एनिमल है जिसपे हम ड्रग्स की टेस्टिंग करते हैं कि भैया टॉक्सिक इफेक्ट दे रहा है कि अच्छा इफेक्ट दे रहा है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट अच्छा दे रहा है। फिर क्या था, उन्हें सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बैकलैश झेलना पड़ा। अब डॉली की चाय पियोगे तो ये होगा ही ना, बाय द वे डॉली भाई इनको एक कप चाय और पिलाओ। क्या आप गधी का दूध बेचेंगे बाबा रामदेव? तो सर ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाबा रामदेव गधी का एक दूध निकालते हैं, उसको पी कर दिखाते हैं और फिर उसके गुड़ भी बताते हैं कि उसमें गुड़ क्या क्या है, उसके बाद उसका टेस्ट भी बताते हैं। देखो वीडियो। अरे सच में वेरी टेस्टी, क्या बताऊं सच्ची मैं मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ। अच्छा एक फैक्ट की बात बताऊं कि जो गाय का दूध होता है, भैंस का दूध होता है, वो मोस्टली 70 रुपए लीटर या 60 रुपए लीटर मिल जाता है। आपको पता है गधी का दूध कितना महंगा है? 5,000 से 7,000 रुपए लीटर गधी का दूध मिलता है। अब आप अपने दोस्तों गंजा नहीं कह पाएंगे और कहा तो जेल जाना पड़ेगा। दरअसल यूपी के हाईकोर्ट ने एक नया रूल बना दिया है कि अगर आप किसी को गंजा कहोगे तो आप इसका मतलब उसका सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे हो,
जिस तरह आप किसी लड़की के ब्रेस्ट के बारे में नहीं बोल सकते। अरे यार, अब मैं गंजे को गंजा भी ना कहूँ। अच्छा वो सब तो छोड़ो, ये बताओ गंजा बोलने से सेक्सुअल हरासमेंट कैसे हुआ, है कोई इसका लॉजिक? जो भी हो, योगी जी और अमित जी इस रूल से बहुत खुश होंगे। ए, सफेद कपड़ा, ओ! मैं कहाँ है सफेद कपड़ा। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इस पूरे हफ्ते की खबर इस छोटी सी वीडियो में मिल गई होगी। अगर आपको न्यूज देखना बिल्कुल पसंद नहीं है तो मत देखिए। आप आकर के संडे को बस मेरा एक एपिसोड देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मोटा मोटा आपके आसपास क्या हो रहा है, थोड़ा एंटरटेनमेंट के साथ। और हाँ, पिछले संडे मैं एपिसोड नहीं डाल पाया क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, मेरा गला खराब था, मैं बोल नहीं पा रहा था। बाकी कोशिश करूंगा तबीयत ना खराब हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना कि और क्या सेक्शन में इसमें जोड़ सकता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, फिर इसी बहुत सारी न्यूज और उनके साथ थोड़ा सा मिर्च मसाला आके पेश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।